सब गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस क्या हो रहा है सबके घर में बताना, मैंने तो बता दिया भाई। हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत पूजा वूजा हुई, आप लोगों के यहाँ भी हुई होगी है ना, हुई होगी तो कमेंट्स करके बताना भाई मुझे कैसा क्या हुआ। भाई आज दिन नहीं है, आज रात रात क्यों है, क्योंकि जन्माष्टमी तो रात में ही सेलिब्रेट करते हैं ना, मतलब जो पूजा वगैरह होती है 12 बजे के बाद ही होती है ना। जैसे हैप्पी बर्थडे अपन लोग बनाते हैं 12 बजे के बाद, वैसे भाई कृष्ण जी का भी अपन बर्थडे 12 के बाद ही बनाते हैं, है ना। तो भाई अभी मैं बैठा हूँ भाई अपने गेमिंग पीसी पे। ये पीसी मैं आप लोग को ज्यादा देर दिखा नहीं पाया, मतलब लास्ट वाले ब्लॉग से मैंने आपको बताया था भाई एक पीसी सेटअप कराया था मैंने, तो भाई फाइनली ये वो पीसी है। बताना अगर आप लोग को कैसा दिख रहा है, पास से दिखाता हूँ मैं आप लोग को थोड़ा। भाई ये अपना गेमिंग पीसी है, बताना कैसा है भाई। इसमें अपन ने मस्त लाइट्स वगैरह लगवाई है, देखो भाई ये अपना भाई पूरा गेमिंग पीसी है। इसमें अपन बढ़िया गेम वेम खेलते हैं, मतलब मुझे पहले तो शौक नहीं था भाई, पर अभी अभी लग गया जब से यूट्यूब वगैरह पे आए ना अपन। तो भाई अभी क्या हाल ही है मैंने एक गेम डाउनलोड किया जिसका नाम है भाई फोर्ज़ा होराइज़न 5। भाई बहुत ही फाड़ू गेम है गाइस, मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसमें ना कार वगैरह ऐसी चलती है और खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह मारो उसमें, मतलब भाई मजा आ जाता है भाई। अभी मैं आप लोग को गेम प्ले वीडियो दिखाऊंगा भाई, उसका थोड़ा मजा आएगा भाई आप लोग को। और तो भाई कुछ है नहीं, अभी मैंने सोचा थोड़ी देर गेम वगैरह खेलूंगा तो आप लोग को दिखाता हूँ वो, उसके बाद अपन सो जाएंगे और सुबह उठेंगे, सुबह देख के देखते हैं जो भी काम होगा कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को वहीं से, है ना। आ जाओ भाई गेम वीडियो देखो। भाई देख रहे हो कितना सही माहौल हो रहा है, नहीं अभी इसमें चलाएंगे भाई अपन बढ़िया वाली गाड़ी। तो गाइज ये वाला कौन सा चॉकलेट है भाई बताना। आजकल अपन लोग भाई नई नई टॉफीज दिखाते हैं और आप लोग से पूछता हूँ भाई मैं कि आप लोग बताना कौन सा टॉफी है। तो ये तो भाई सबने खाया होगा, ये तो वो वाला है मेलोडी, खाओ फिर जान जाओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है ना भाई, ये वो वाला टॉफी है। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको कुछ दिखाई थी ना भाई टॉफीज, और मैंने पूछा था कौन सी है, तो भाई ये वो भाई का है, मैंने बगल में लगा दिया है नाम भाई। तो भाई उनका नाम है भाई, साइड में आ रहा होगा आपको, मैं भी आपको बता देता हूँ, उनका नाम है अभिषेक राइडर भाई। भाई अभिषेक राइडर भाई ने बताया सौरभ शर्मा सर ये चॉकलेट कोकोनट वाली है। भाई आपने बिल्कुल सही बताया अभिषेक राइडर भाई, हो सके तो भाई आप ना मुझे अपना एड्रेस जरूर नीचे लिख के एक बार बता देना, आपको ना गिव अवे करूंगा यही वाली चॉकलेट का कोकोनट वाली, अगर आपको पसंद हो ना पक्का आपको गिव अवे करूंगा। अपन अभी भी यही घिसे पिटे चश्मे से काम चला रहे हैं भाई, आने वाला है, मैंने ऑर्डर तो कर दिया है भाई, कुछ टाइम में आ जाएगा ऑनलाइन। अब भाई घर पे भी ना गेम वेम खेलते हैं तो इसी से काम चलाना पड़ता है मुझे, ठीक है कोई इशू नहीं है, थोड़े दिन में आ जाएगा अपना चश्मा। और हाँ मोटे भाई के साथ क्या करना था भाई बता दो, रिवेंज लेना है ना, ये चश्मा जो खराब हुआ है भाई उसके बदले में उसको तोहफा तो देना पड़ेगा ना गाइस, रिटर्न गिफ्ट है ना, उसने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है देखो भाई ये खराब कर दिया, तो रिटर्न गिफ्ट देना बनता है ना बॉस, तो बता देना मुझे ठीक है, अपन पक्का उसके साथ कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे। बाकी भाई ये गेम ना लोड होने में बहुत टाइम लगाता है यार, देखो जब से गाड़ियां दिखी रही हैं गाड़ी चलाएंगे कब, जब से गाड़ियां सिर्फ लोडिंग लोडिंग खा रही हैं। 2000 years later भाई अभी मैं भी नया नया हूँ तो जज मत करना, गाड़ी इधर उधर ठुके है ना भाई, अपन ने अभी सीखा ही है ये गेम चलाना। फुल गलत सीन, ऐसी अपनी रैम्बो चढ़ गई थी भाई, आई बटन के ऊपर ब्लॉग आ रहा है, उसमें अपनी रैम्बो ऐसी चढ़ी थी भाई पहाड़ के ऊपर, देखना जाके जब जिसने वाला ब्लॉग नहीं देखा भाई। गेम में भी बताओ अपन पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं और असली लाइफ में पहाड़ पे चढ़ाते हैं, एक ही काम है अपन को और कुछ नहीं है। तो कहाँ जा रही है, पापा से भी चलवाएंगे रुको, उनको बुलाएंगे शायद सोए नहीं है वो, अपन पूछेंगे अभी ऊपर जाके, उनको लेके आता हूँ भाई, उनको खिलवाता हूँ अलग में। ओबे तेरी की, इसको हराना है भाई अपन को, ये हरी वाली गाड़ी है ना भाई, इसको पीछे लपेट देना अपन को। चलो 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 हरा देंगे भाई, हरा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। आटो, आटो, है कि नहीं फुल गलत भाई, मजा आ रहा है अलग गेम खेलने में बहुत भाई। अब पापा को भी लेके आते हैं और अब पापा को खिलवाते हैं ठीक है, मुझे चिल्ला चिल्लाना दे कि आधी रात को उठा के साले तू क्या गेम खिलवाने ले आया मुझे तो पता चले यहाँ कुछ नया कार्ड वाला वीडियो बन जाए, है ना। तो आता हूँ उनको लेके ठीक है, बाय बाय। तो गाइस अपने पापा आ गए, इधर आओ ना। अरे नींद में है बे, क्या कर रहा है? अरे आपको गेम खेलवाना है मुझे बहुत तगड़ा, सो जाओ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अरे सोना सोना क्या है, खेलते क्या बच्चे भाई। गाइस पापा अपने थे भाई फुल नींद में, था तो देखो एक बार घूमो तो भाई पूरी नींद में थे, अपन उठा के ले आए इनको, मैंने कहा पापा आओ बहुत बढ़िया गेम है। अरे बहुत अच्छा गेम, अपनी थार है ना देखो, थार की तरह गाड़ी है इसके अंदर, बैठो तो इधर बैठो, इधर आओ। नकली गाड़ी रहती है, अरे नकली नहीं देखो पहाड़ पे चढ़ रही है, जैसे मैंने नहीं चढ़ाई थी अभी, देखो इससे चलेगी आगे, इससे इधर उधर मुड़ेगी,
और इससे ब्रेक लगेंगे। तो गाइस अभी इनसे गिलवाते हैं, देखते हैं कैसी गाड़ी चलाते हैं। भाई कितने डर डर के चला रहे हैं। रिवर्स रिवर्स हो करके अरे वो निकल गया आगे, उसको उसको हराना है अपन को। इसको मैं रोड पे लगा दे रहा हूँ। हाँ। अब ये वाली गाड़ी से ही चलाना है, थार को नहीं चलाना। थार को नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना? इसी से वीडियो बनाओ भाई। देखो गाइस क्या कह रहे हैं, कह रहे रैम्बो को घर खड़ी कर दो, अब इसी में खेलो। अरे तो इसमें दिखाऊंगा ऑफ रोडिंग। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा भाई, गलती हो गई लग रहा है इनको। गेम खेल के अपन ने गलती कर दी। ये कह रहे हैं कि अब भाई थार वार नहीं देंगे तुम्हें, तुम इसी में ऑफ रोडिंग करो। हम लोग का प्लान है अभी जाना है हमें एक जगह वॉटरफॉल। ये तुम्हारे लिए ये गाड़ी ठीक है, ये वाली चलाओ बस, इसी में वीडियो बना रहे ठीक है। अरे सोने अब डिस्टर्ब नहीं करने, बढ़िया गाड़ी दे दी। रेड वाली तार की बात ही अलग है ना, वो चाबी जमा कर दो अब इससे बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होता, हम इसी को इसमें थोड़ी ना, इसमें मजा आएगा क्या? बहुत महंगी गाड़ी है, इसमें मैं बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसमें क्या मजा आएगा? बैठने की जरूरत क्या, सेफ रहोगे। अरे सेफ रहोगे इसमें, इसमें खेलो सेफ रहोगे, कहीं भी चढ़ा लो इसको। ठीक है आप सो जाओ, बढ़िया मैं खेलूंगा गेम। गुड नाइट, गुड नाइट, उनको भी बोल दो गुड नाइट, बोल दो गुड नाइट। चलो भाई पापा तो गए, पापा को आ रही थी भाई नींद। अपन खेलेंगे भाई थोड़ी देर गेम, गेम खेलने के बाद भाई आ जाओ, पहले तो बैठ के बात करेंगे। मैं थोड़ी देर भाई खेलूंगा गेम, और गेम खेलने के बाद भाई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ काम है वो करूंगा, उसके बाद भाई मैं भी सो जाऊंगा। तो ठीक है फिर मिलता हूँ भाई मैं आप लोगों से सुबह, सुबह मिलते हैं अपन और देखते हैं सुबह क्या है क्या नहीं करना, अभी तो कुछ पता नहीं है, सुबह जो भी होगा आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है गाइस गुड नाइट बाय। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, भाई मस्त वाली नींद आई भाई, मतलब आपको कैसे बताऊँ, मतलब भाई मज़ा आ गया भाई, मतलब बेहतरीन वाली नींद ली भाई कल रात। खूब गेम खेला भाई, और फिर थोड़ा बहुत काम था भाई वो किया, फिर मैं सो गया था। फिर भाई मैं उठा तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब भाई चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करेंगे, देखते हैं क्या बना है क्या नहीं बना, चलेंगे नीचे और फिर देखते हैं। अभी तो उठा ही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या बात करूँ। नाश्ता वाश्ता करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस कैसे हो भाई? भाई तुम्हारा भाई हो गया भाई ऑल सेट रेडी। रेडी क्यों हो गया हूँ भाई? मैं रेडी इसलिए हो गया हूँ क्योंकि भाई मुझे जाना है अनुग्रह भैया के घर पे। आप लोग नहीं जानते अनुग्रह भैया को, मेरे एक भैया हैं भाई, मतलब मेरा बड़ा भाई है ना शुभम, उनके फ्रेंड है वो। तो भाई उन्होंने लिया है भाई अभी एक नया डॉग, और पता है कौन सा डॉग लिया है? हस्की लिया है भाई उन्होंने। आप लोग को पता है भाई हस्की कौन सी ब्रीड होती है भाई? तो ठीक है भाई हस्की होती है ना भाई, बहुत ही क्यूट ब्रीड भाई, मतलब आप लोग को पता ही होगा है ना भाई, वो थोड़ा वुल्फ टाइप के जो डॉग्स होते हैं ना भाई, वैसा वाला डॉग है वो, और वाइट कलर में, और पता है यार उसकी आईज ना ब्लू कलर की है भाई, इतना बढ़िया दिख रहा था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर पिक्चर शेयर करी भाई, मुझसे तो रुका नहीं गया, मैंने कहा अनुग्रह भैया मैं आ रहा हूँ मुझे मिलना है, मतलब मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है, बस क्या है ना यार हम हमारे घर पर रख नहीं सकते हैं, तो भाई आसपास वालों के पास जिनके पास डॉग्स होते हैं ना भाई, तो वो भी हमारे ही पेट से, और ये तो अपने भैया का ही डॉग है भाई, तो हमारे ही डॉग वो है ना। तो चलते हैं भाई हस्की से मिलते हैं, आप लोग को ही मिलवाता हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे भाई इस बार, तो उसके लिए थैंक यू। तो चलते हैं अब सीधा का भाई अनुग्रह भैया के घर के लिए, ठीक है आ जाओ भाई। थार को भी बाकी यार धुलवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और हाँ गाइस अपन ने जो नई स्लाइड्स ली थी ना भाई, देखो ये रही वो, बताना भाई कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है ना भाई? मैं सोचा आपको दिखा दूँ भाई, आज अपन ने यही पहनी है। अब चलते हैं भाई सीधा कहाँ, अनुग्रह भैया के घर के लिए निकलते हैं, वहाँ पहुँचता हूँ सीधा हस्की से मिलेंगे और मस्ती करेंगे भाई उसके साथ। तो ये वाला व्लॉग ना मेरी फैमिली भी देखेगी, तो हो सकता है गाइस कि भाई मान जाएं घर वाले, उनको मैं कन्विंस कर लूं, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे लिखना भाई, तो हो सकता है वो लोग पढ़े और वो लोग कन्विंस हो जाएं और मुझे अलाउ कर दें है ना। तो बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कौन कौन मेरे प्यारे भाई लोग हैं जिनको मेरी तरह भाई डॉग्स बहुत पसंद है ना, तो बताना मुझे। चलते हैं अब सीधा अपन वहाँ अपने हस्की से मिलने, तो लेट्स गो। तो गाइस कौन आया है भाई अपन से मिलने? देखो मोटा भाई। तो भाई मोटा भाई आ गया, मोटा भाई ने अपनी इंस्टा स्टोरी देख ली, मोटा भाई ने बोला कि सौरभ भाई कहाँ जा रहे हो, चल साथ चलते हैं देख के आते हैं कैसा डॉग है। ठीक है भाई, मोटा भाई बहुत तेज गाने बजाता है भाई, गाड़ी में बैठता है ना, कौन सा गाना है भाई ये? भाई पता नहीं, ईडीएम चल रहा है, ईडीएम बजा रहा है भाई, देख लो जिम वाले चल रहे हैं, जिम वाले चल रहे हैं। अरे मोटा भाई, भाई जब से जिम क्या चला गया गाइस, देख लो जिम वाले ईडीएम वाले गाने, वरना पहले तो कल कौन सा गा रहा था वो, कौन सा? बरसात के मौसम में, वो लेजेंडरी गाना है। कल परसों मिले थे गाइस, तो गा रहा था बरसात के मौसम में पीने दो पीने दो, और अब देखो ईडीएम चल रहा है भाई, ड्रास्टिक चेंज हो गया लड़के में है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? हो गया है। तो भाई चलते हैं मोटा भाई, एक्साइटेड हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल, हस्की है बाबा हस्की। मोटा भाई तुम इतने तेज गाने बजाते हो, लॉन्डो को आवाज भी नहीं आ रही होगी।
भाई अपना मोटा ना अभी बर्थडे के दिन अपने मोटा भाई अपना डीजे बनेगा भाई, भाई का डीजे बनेगा नहीं बनेगा बर्थडे के दिन बनूंगा भाई बजाएगा कर रहे गाने। अब चलते हैं भाई सीधा पहुंचते हैं कहाँ पे हस्की के पास और वहाँ मिलेंगे आपसे और वहाँ फन करते हैं ठीक है चलो। और ये देखो मोटा भाई भाई अकेले अकेले कुछ सूत रहा है क्या खा रहा है भाई? भाई ये डाइट कुकीज बोल सकते तो मिल डाइट कुकीज अबे कुकीज खा रहा है बिस्किट खा रहा है बगल बैठ के और कह रहा है कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ डाइट कुकीज खा रहा हूँ भाई अभी मोटा भाई ये सब ये कैलोरी इंटेक हो रहा है अभी कैलरी इंटेक क्या भाड़ में तुम ये ढोंग छोड़ दो मेरी बात मानो छोड़ दो ये ढोंग है ये सब सुबह से कुछ नहीं खाया मैं जिम तो जा रहा हूँ हेल्दी खाऊंगा ये देखो गाइस क्या खा रहा है भाई मैंने घंटा नहीं बोला कि मैं हेल्दी खाऊंगा मैं पेल के जंक फूड खाऊंगा मगर जिम जरूर जाऊंगा। हाँ भाई पेल के खाओ जंक फूड पर जिम जरूर जाओ मतलब कुछ ना कुछ फिटनेस वाली चीजें करते रहो भाई तुम्हारा भाई भी ऐसे ही करता है दिन भर देखा होगा ना ब्लॉग्स में खाता पीता ही रहता हूँ तो भाई हाँ खाता पीता रहता हूँ बस जिम चले जाओ अपन भी स्टार्ट करने वाले भाई जिम। अब भाई चलते हैं बहुत बातें हो गई यार मैं कैमरा खोलता हूँ ना भाई आप लोग से बात करने के लिए तो फिर बातें निकलती रहती हैं। अब कुछ नहीं अब सीधा मिलेंगे हस्की के पास ठीक है चलो बाय बाय। तो गाइस ये वो जगह है भाई जहाँ तुम्हारा भाई आता है भाई रामबो को लेके ऑफ रोडिंग करने देख रहे हो भाई कितना तगड़ा ट्रैक हो रहा है मोटा भाई चल दे क्या आगे चलो सीधे है रास्ता चल रहे क्या को जाना है कहाँ चलना है हस्की के पास। तो भाई लोग आ गए भाई अपन कहाँ पर अपने अनुग्रह भैया के घर पे भाई देख रहे हो भाई क्या लिखा है भाई बी अवेयर गार्ड रॉटवाइलर ऑन ड्यूटी भाई यहाँ पे रॉटवाइलर भी है तो इससे ना बच के रहना पड़ेगा अपन को। मोटा भाई एक सेकंड तो आ जाओ एक सेकंड मेरे भाई एक बार वो पढ़ के बताओ लोगों को क्या लिखा है पास से पढ़ो ना इधर देखो गाइस बताना क्या दिख रहा है आपको तो भाई फालतू बात है ना यहाँ लड़ाई वड़ाई हो जाएगी चलते भाई हस्की से मिलते सीधे। ओ भाई साहब क्या नाम है इसका कितना प्यारा लग रहा है यार भाई वो बैठा है खतरनाक रॉटवाइलर भाई और ये इनका ना घर है भाई यहाँ रहते हैं। अरे भाई साहब बात कर रहा है वो क्या कर रहा है बात करता है हस्की तुम भी करो तुम करना एक बार आओ तुम भी करना क्यों तुम कह रहे हो बात कर रहा है बात करो ना भाई क्या नाम है इसका अनुग्रह भैया नाम तो बता दो रियो रियो कैसे हो भाई गाइस ये देख रहे हो भाई इसकी आईज ना ब्लू है ना इसकी आईज रियो ओ भाई काटेगा तो नहीं रियो भाई अरे गुस्सा हो गया इधर तो देख लो भाई मोटा भाई पास से दिखाओ इधर आ जाओ थोड़ा लोगों को दिखाओ तो भाई इनकी आईज दिखाओ भाई भाई कितनी प्यारी आईज है ना भाई मतलब भाई अपन लोग की नहीं होती ऐसी आंखें तो देखो कितनी बेकार लेंस लगा ले हो जाए लगा दो हस्की वाले लेंस हस्की वाले लेंस नहीं आते भाई आपकी जैसे लेंस लगा लूं मैं भी क्या कहते हो वो कह रहा लगा लो सौरभ भाई लगा लो रियो भाई तुम्हारा भाई यूट्यूबर है एक बार सबको बोल दो सब्सक्राइब कर दें बोल दो मेरी जान तुम बोलोगे तो मान जाएंगे मैं बोलता हूँ तो करते ही नहीं साले। तो भाई रियो बोल रहा है भाई लोग सब्सक्राइब कर देना मेरे को सौरभ भाई अपने भाई हैं सौरभ भाई को सब्सक्राइब कर देना है ना भाई रियो भाई मैंने बोल दिया गुस्सा होगा भाई गुस्सा होगा कह रहा सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग क्या करे रियो भाई रियो के लिए कुछ अपन लेके नहीं आया यार खाली हाथ आ गए आप लोग बताना अपन इसको कहीं लेके चलेंगे इसके साथ अपन कुछ करेंगे क्या कर सकते हैं ऐसे डॉग के साथ। अरे 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 बाप रे देखो भाई टग ऑफ वॉर कर रहा है भाई देखो टग ऑफ वॉर कर रहा है बेटा तू नहीं मैं जीतूंगा रियो बेटे सही गुर्रा रहा है सही गुर्रा रहा है गुर्रा रहा है कह रहा है सौरभ भाई छोड़ दो भाई ये अपन ने रियो को कर दिया आजाद भाई अपन भी एक हस्की ले लें क्या गाइस मुझे बताना भाई कौन सी ब्रीड अच्छी होती है आप लोग को कौन सी ब्रीड पसंद आई मुझे तो हस्की बड़ा पसंद आया भाई हस्की लेंगे अपन भी क्यों रियो भाई ये देखो भाई ये देखो क्या हो गया बेटे इधर आओ अबे तेरी नहीं सुनेगा रियो अबे तेरी नहीं सुन रहा भाई मोटा भाई हो रहा है भाई कहां जा रहा है भाई मोटे तेर से नहीं मानते कुत्ते उत्ते अबे तू सुअर ना डरा पाए भाई चाचा झाड़ पे कुछ चढ़ गए तार पे कुछ चढ़ गए सॉरी पीछे दिखाओ ना क्या चल रहा है चल अंदर इसलिए चढ़ गए और किस लिए चढ़ गए भाई शेर वापस शेरनी वापस पहुंच चुकी है। तो भाई सूरत देख रहे हो आप लड़के की तो ये शकन कैसी आ रही है माथे पे ये शकन नहीं गाइस इसको कहते हैं डर भाई वो खतरनाक ब्रीड है भाई अपन तो ऊपर चढ़ के बैठ गए वो घूम घाम के अंदर जाएगा ना तभी भाई उसको अंदर करो भाई गौर भाई तुम पहले नहीं नहीं भाई अनुग्रह भैया मैं फोन चला मैं चला जाऊंगा कहीं और मेरी तो मेरे को तो पता ही वो कैसा भाई, भाई ये देखो गेट हो गया बंद पसीना दिख रहा है हम माथे पे क्या पसीना दिख रहा है लगाऊंगा साले लाफा एक गेट बंद हो गया ये देखो बंदर चढ़े पे चढ़े थे थार पे
गाइस ऐसा ही होता है। ये देखो भाई कुत्तों की आवाज आ रही है आपसे भाई। भाई जब तक लाड़ प्यार करो तो ठीक है, छोटा डॉग होता है ना भाई उसका तो ठीक है, ये बड़े डॉग का भाई खतरनाक होते हैं। और रॉटवाइलर तो भाई वो पुलिस वाले यूज करते हैं ना मोटा भाई, रॉटवाइलर वगैरह तो भाई जर्मन शेफर्ड सब यूज करते हैं, वो डोबरमैन भी यूज करते हैं, बहुत सिक्योरिटी में तेज होते हैं भाई ये। मगर ये ऐसे एक बार पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हां भाई तभी तो मैं हानी रहा इनके लपट्टे में, मैंने कहा भाई मेरे को हाथ में नहीं आना भाई। लपट्टे में कि झपट्टे में? झपट्टे में भाई, झपट्टे। देखो भाई, भाई के मुंह से फंबल हो रहा है, शब्द ही मुंह पे नहीं आ रहे। क्यों हो रहा है भाई? अब वो सामने आ गया मेरे भाई एकदम से, इतना बड़ा डॉग तो होगा ना यार, फालतू बातें कर दो जाओ भाई। एक मिनट रुको भाई, तुम्हें इतने फंबल में आ गया भाई, अभी हम अपना लेके आएंगे तो बोल्ट तो से डरवाओगे। बोल्ट को लेके आएंगे तो तुम्हारा भाई। चलो ठीक है, शेर है तुम्हारा, एक लेवल अप करेंगे। अगर इस पे अगर 100 कमेंट से ऊपर आ गए तो मैं पिटबुल से मिलाऊंगा, जो जबड़ा पकड़ता है ना अभी जो न्यूज में आई है। अरे बेटा शेर है तुम्हारा भाई, शेर भाई। गाइस इसको नीचे कमेंट्स में लिख के बताना तुम्हारा भाई शेर है कि नहीं, है ना? शेर है तुम्हारा भाई। एक मिनट रुको, कुत्तों से नहीं डरता मैं। डेमो दिखाएं क्या? अब भी कुत्तों से नहीं डरता तुम्हारा भाई। अब भी डेमो दिखाएं क्या? डेमो दिखाएं। अनुग्रह ये छोड़ देना। देखो भाई सूख के अंदर चली। हाँ भाई क्या इतना ही था क्या खेला तुम्हारा? चलो गाइस घर चलते हैं। अबे मोटे आ जाना घर में, फालतू बातें भाई मैं तो फेमिलियर हूँ ना भाई। तुम्हारा भाई जंगल में शेर है, ये स्ट्रीट रीट में थोड़ी ना भाई शेर अपना लोड दिखाएगा। तू जंगल चल साले, तुझे फिर छोड़ दूंगा। हाँ चल भाई, जैसे प्रिंस की हालत हुई थी ना मेरे को पता है, मेरे को मैं बता रहा हूँ मोटे, तू मेरे मजे ले रहा है ना। जंगल जाऊंगा ना बेटा, तुझे फिर से छोड़ के आऊंगा वहाँ, जैसे उस बार छोड़ा था ना तुझे। हाँ अभी मेरे मजे नहीं, अभी तेरे मजे हो रहे हैं, कसम से सही बात है। चल वे चल वे। तो गाइस ये है अपने अनुग्रह भैया, मैं कह रहा हूँ भाई एक सेकंड ब्लॉग में आ जाओ तो आ ही नहीं रहे। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे तेरे साले जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना तब आऊंगा तेरे। अनुग्रह एक बार बोलते तो पीछे पीछे। भाई लोग इतना शर्माते क्यों कैमरे के सामने? आप लोग शर्माते हो क्या भाई? अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हो ना आप लोग, कभी मुझसे टकराओ तो भाई कैमरे के सामने मत शर्माना, क्योंकि तुम्हें लूंगा ना भाई मैं अपने साथ। देखो भाई शाये लोग दिखाना जरा मोटा भाई, अपन तो कभी कैमरे के सामने शर्माए नहीं, हम तो बेटा वो शेरनी छोड़ देंगे। शेरनी छोड़ देंगे। हाँ भाई ज्यादा पंगे नहीं लूंगा, अगर उनको ज्यादा खिलपा दिया वापस वो छोड़ देंगे उसको रॉटवाइलर को, मेरे पीछे भगा दौड़ा देगा मुझे यहाँ पे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चलो 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 छत पे सनरूफ वगैरह भी है। बाहर निकल जाए क्या अपन लोग? मोटे बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल सकते हैं क्या? देखा ना भाई उड़ नहीं आना। अरे भाई ये चला अपने क्या हेवी ड्राइवर रहे भाई इस समय, ये देखो ये ना उड़ा देंगे अपन को भाई, कोई भरोसा नहीं है इनका, इनने स्पीड वीड बढ़ा दी तुम्हारा भाई पीछे फेंका दे। कोई भरोसा नहीं है भाई तुम्हारा, भाई ऊपर निकलेगा रुक जाओ भाई साहब, फुल गलत सीन है तो भाई ये उतार देता हूँ, मेरे पाँव तो साफ ही है। ओ भाई भाई साहब यहाँ तो फुल तगड़ा सीन आ रहा है भाई, गलत वाला। ये देखो भाई तुम्हारा भाई आ गया ऊपर। मोटे भाई यहाँ तो अलग ही फील आ रहा है। अरे भैया फालतू हरकत नहीं करता कुछ भी। ओ भाई भाई रैम्बो में बस ये वाला फील नहीं है यार, बाहर खड़ा होना पड़ता है अलग से उतर के भाई, ये वाला फील और होना चाहिए। लेंगे भाई इसमें की भी एक गाड़ी लेंगे सनरूफ वाली, बढ़िया भाई हवाएं लग रही है भाई, मतलब मजा आ रहा है भाई। मोटे भाई हम तो आ गए भाई ऊपर भाई, बहुत खतरनाक माहौल होता है भैया, इसको कर दो बंद। अरे हमें पता है चाचा ऑटोमेटिक है, ये देखो हमने इसका खटका भी लगा दिया। खटका नहीं बोलते, खटका ही बोलते तो भाई लोग अपने मोटा भाई तो भाई जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, जा रहे हैं भाई, थोड़ा काम पड़ गया। काम नहीं पड़ गया भाई, इन्हें कुछ नहीं करना है, ये काम है वो आपको बताएंगे इंस्टा स्टोरी पे बताऊंगा। जा रहा है याद रखना, ओ बताऊंगा इंस्टा स्टोरी पे आपको। चलो बाय। तो गाइस मोटा भाई तो गया, अब हम जा रहे हैं भाई वापस अनुग्रह भैया के घर पे, क्योंकि अपनी रैम्बो ना वहीं पे खड़ी है, तो रैम्बो को उठाएंगे वहां से अपन और फिर देखते क्या होगा, घर ही आएंगे भाई। मतलब हो गया आज का ब्लॉग तो भाई ऑलमोस्ट खत्म, बस रैम्बो को उठाना है घर आना है ना। चलो